इंग्लैंड क्रिकेट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी नेट साइवर और कैथरीन ब्रंट ने रविवार को आपस में शादी कर ली, जिसके बाद अब इस बात की चर्चा हो रही है कि इन दोनों लड़कियों ने शादी की है तो ये क्या जायज है या नाजायज। लेकिन इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे, पहले हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले महिला वनडे विश्व कप में ब्रांट और साइबर दोनों ही इंग्लैंड की टीम का हिस्सा रही थी। इन दोनों ने अक्टूबर 2019 में सगाई की थी। दोनों की शादी भी साल 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण शादी को स्थगित कर दिया गया था। उस वक्त कोरोना के कारण दोनों ने शादी नहीं की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो साल 2017 में साइबर और ब्रंट दोनों का रिलेशनशिप आधिकारिक तौर पर जगजाहिर हुआ था। तब दुनिया को पता चला था कि ये दोनों महिला खिलाड़ी एक साथ रिलेशनशिप में हैं। 2019 में सगाई के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन कोरोना के कारण उसको टाल दिया गया था। ऐसे में अब इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वैसे आपको बता दें कि विश्व के तमाम देशों में समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है, जिसमें से ब्रिटेन भी एक है। वहीं तमाम देशों में समलैंगिक विवाह पर रोक भी है। समलैंगिक विवाह अक्सर चर्चा का विषय रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया की सोच बदलने लगी है। समलैंगिक संबंध और समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाले देशों की संख्या अब बढ़ने लगी है और इंग्लैंड भी समलैंगिक विवाह को अनुमति देता है। तो आपका इन दोनों की शादी पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।